नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और अब वक्त हो गया खबरें फटाफट का। प्रदर्शनकारियों ने शीर्ष अदालत को घेरा, मुख्य न्यायाधीश अविल हसन ने किया इस्तीफे का ऐलान। पीएम मोदी ने भूस्खलन प्रभावित इलाकों में पहुंचे, राहत और बचाव कार्यों के लिए जानकारी। आरक्षण में क्रिमिलियर को लेकर मायावती बोली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में कानून लाए मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में 10 साल बाद सपना हुआ पूरा, मुरादाबाद में लखनऊ के लिए फ्लाइट से भरी उड़ान, कई मंत्रियों ने दिखाई हरी झंडी। पंजाब की हालत से परेशान हो गई एनएचएआई अधिकारी नितिन गडकरी ने भगवंत मान को पत्र लिखकर बयां किए अपने हालात। सोनिया राहुल के चरणों में झुके उद्धव ठाकरे, रैली से पहले थाने में लगाए गए पोस्टर। भारत में आईएसआईएस को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था आतंकी रिजवान, पूछताछ में हुए कई बड़े खुलासे। प्रयागराज में वक्फ संपत्तियों की जबरदस्त लूट, माफिया अतीक का इमाम बाड़े पर था कब्जा, बनवाना था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। बजरंग दल ने दी चेतावनी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो खुद बजरंग दल बांग्लादेश जाकर हिंदुओं की रक्षा करेगा। बिहार के पूर्णिया में मजदूरों से भरी नाव नदी में पलटी, स्थानीय लोगों ने सभी को बचाया, कई दोपहिया वाहन। अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या का मामला, छात्र संगठनों का सड़क जाम कर प्रदर्शन, बीजेपी ने की सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट ने दानिशशाही को कुचला, बीजेपी पर बरसते सिसोदिया, बजरंग बली का लिया आशीर्वाद, बापू को किया रंजिश के चलते चचेरे भाई को मारी 6 गोलियां, आरोपियों ने किए कई हवाई फायर, गांव में दहशत का माहौल। हमारी सरकार में भी हुई थी नाइंसाफी, अखिलेश सिंह ने स्वीकार किया, विशेष राज्य के दर्जे पर ठगा गया बिहार। दिल्ली जयपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पीछे से टक्कर लगी तो डिवाइडर से टकरा कर पलटी कार, एक की मौत, 3 दोस्त हो चुके हैं घायल। नोएडा की सोसाइटी में रात भर रेव पार्टी, तभी पहुंच गई पुलिस, इस हाल में पकड़े गए 39 लड़के और लड़कियां। मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के 150 दिन जेल में डाला, जन्मदिन पर सीएम हेमंत सोरेन ने किया। उत्तराखंड में सितंबर में प्रदेश आ सकते हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, दून में बड़ी रैली कराने की हो रही तैयारी। हिमाचल में कई भागों में झमाझम बरसे बादल, दाहन में घरों दुकानों में घुसा मलबा, आज के लिए ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। जम्मू में सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में खौफ, कठुआ पुलिस ने जारी किए 4 खुखार आतंकियों के स्कैन। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें। Thank you.